बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। और अगेन जिस तरह के अगेन रोज़ जो है वो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी वो आप कर रहे होंगे, अपनी अपनी स्किल्स पे फोकस और काम पे फोकस जो है वो आप लोग सारे कर रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और जी वालेकुम सलाम रमजान साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। जी रमजान साहब, कल शायद आपसे बात हो रही थी कि आपसे इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट जो है वो इंटरेक्शन में आज करूंगा। फर्स्ट जो हमारा वन टू वन सेशन होगा वो आपसे जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ें आपकी थी, जितने प्रॉब्लम्स वगैरह थे, उनको अभी जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मीनवाइल जो है वो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है वो देख लें, अगर वो जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो चल रहा है, तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी नुसर साहब, अल्लाह ताला आपको जो है वो खुश रखे हमेशा, और बाकी सबके लिए भी जो है वो यही सेम दुआ है मेरी। अच्छा रमज़ान साहब, आप उतनी देर इंटरनेट कनेक्शन और जूम वगैरह जो है वो चेक कर लें, और मेरे पास ये जो क्वेश्चन आया था मैं उसको जो है वो रिप्लाई कर दूँ। काशिफ साहब का जो है वो क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच सर रिप्लाई करने के लिए। एंड काइंडली ये बता दें यूट्यूब कस्टमर यू आर एल भी हम बना सकते हैं या जस्ट वो वेबसाइट के लिए। काशिफ साहब, यूट्यूब का जो है वो आप लोग जो चैनल लिंक है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप लोग उस टाइम कस्टमाइज उसको करेंगे जब आपके 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि 100+ सब्सक्राइबर और वीडियोस के लिए आप लोग कस्टमाइज यूआरएल नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए चैनल के लिए कस्टमाइज यूआरएल जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी वीडियोस को बिटले के ऊपर जो है वो डाल सकते हैं, वहाँ से कस्टमाइज लिंक जो है वो उसका बना सकते हैं। ठीक है, बिटले अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, यूआरएल शॉर्टनर के लिए जो है वो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा मैं एक दफ़ा लिंक भी जो है वो आप लोगों को सर्च कर दूँ।
ग्रुप में मैं लिंक जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, तो वहां से आप लोग जो है वो ये लिंक जो है वो जस्ट क्लिक करेंगे तो जूम मीटिंग आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। जी अभी दोबारा से ये कनेक्ट हो रहा है, मैं एक दफ़ा कनेक्शन या वो चेंज कर लूँ तो उसको खत्म करके दूसरे कनेक्शन पे जो वो ले आता हूँ ताकि जल्दी से हम लोग जो कनेक्ट हो जाए। जी वालेकुम सलाम समी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं देखूँगा हम लोग स्टिल कनेक्टेड हैं बेस्ट हैं। जी मीनवाइल समी साहब, प्रोडक्ट रिव्यू भी जो है वो मैं चेक करने लगा हूँ आज ये इंशाल्लाह काम जो है वो करना भी नेक्स्ट जो है उसके बाद। तो मीनवाइल मैं आपका प्रोडक्ट रिव्यू भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ तो उसको जो है वो चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी नॉर्मली अगर जो है वो आप लोगों से पासवर्ड भी पूछे तो ये PWD इज इक्वल टू ये लास्ट पे जो है वो आपके पास पासवर्ड जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो जब भी पोस्टिंग वगैरह आप लोग ये लिंक पे क्लिक करेंगे पासवर्ड पूछते तो ये लास्ट पे इसके जो है वो पासवर्ड भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है रमजान साहब, मीटिंग लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दी है और उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ। एक दफ़ा जो है वो हसन साहब के रिप्लाई जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चैनल का जो है वो हम लोग कस्टमर यूआरएल बना सकते हैं, वीडियोस का कस्टमर यूआरएल नहीं बना सकते। हम वीडियोस का कस्टमाइज यूआरएल अगर आप स्टिल बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिटले को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रीवियसली आप लोगों ने जो है वो बिटले जो है वो यूज़ नहीं किया तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपने यूज़ करना है। बिटले पे आए ये वेबसाइट है इसकी, वैसे bitly.com लिख लें, bit.ly जो है वो लिख लें तो ये आपको जो है वो लिंक शॉर्टनर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है, इसको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर लेना है, यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ से आप लोग अपने शॉर्टनर लिंक्स को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी टाइटल में कीवर्ड्स का यूज़ भी कर लेंगे, टाइटल ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा। जी टाइटल ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, लेकिन आप जो यूट्यूब की वीडियो का गेन बता रहा हूँ कि उसका
कस्टमाइज यूआरएल नहीं बना सकते। मैटर डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड ये ऐड करने हैं, बट यूआरएल काइंडली गाइड करना। यूआरएल को मैं बता चुका हूँ कि उसको आप जो है वो फर्दर उसको नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद समी साहब जो है वो हमें, सॉरी रमज़ान साहब, दोबारा से एक दफ़ा जो है वो देखें, उसको ज्वाइन कर लें मीटिंग को। मीटिंग लिंक जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ से मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर लें। ये मैं चीज़ें भी ओपन कर लूँ, क्लासरूम भी ओपन कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? स्टिल ज्वाइनिंग पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, आवाज़ आ रही है बा आपको मेरी? रमज़ान साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक जी सर आ रही है। है, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? रमजान साहब पीछे से फेसबुक जो है वो बंद कर रहे हैं। रमजान साहब फेसबुक टैब जो है वो एक दफा बंद कर लें या उसको म्यूट कर दें। जी सर करती है बंद। ठीक है। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे आपको? सर ये आ रहा था गिफ्ट में सर प्रॉब्लम आ रहा है कि बाय रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रीन शेयर अपनी एक दफा कर दें। आप सर ये ऑप्शन किधर है इसका स्क्रीन शेयर? जूम जो है वो, जूम के ऊपर जो है वो क्लिक करें। जूम में डाउन साइड पे मिडल में होगी शेयर स्क्रीन की, ग्रीन स्क्रीन होगी, ग्रीन बटन होगा बेसिकली शेयर स्क्रीन का। वीडियो बंद कर दें एक दफा और स्क्रीन शेयर जो है वो कर दें। एक्चुअली इसका ऑप्शन सॉरी सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। आपने जूम डाउनलोड किया हुआ है? नहीं सर ये गूगल क्रोम पे चल रहा है। गूगल क्रोम पे चला है? गूगल क्रोम को टैब बेसिकली ओपन करें, वहां पे चेक करें, वहां पे ऑप्शन होगा जूम ऑप्शंस जो है वो चेक करें, उनमें से एक ऑप्शन होगी शेयर स्क्रीन की। सर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उतनी देर इसको डाउनलोड भी कर लें जूम को।
चले सर मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। डाउनलोड कर लो, उतनी देर में सबका आर्टिकल चेक कर लो और फिर सेम लिंक से आपने ज्वाइन कर लेना। थैंक ठीक है जी, यू सर। समी साहब आपका आर्टिकल जो है वो चेक करने लगा हूँ मैं। टीपी लिंक N300 वाई फाइव सिग्नल बूस्टर एंड एक्सेस पॉइंट फॉर होम इज वीक इंटरनेट सिग्नल अ प्रॉब्लम इन योर हाउस और यू यस डिस्पाइट यू आर नॉट गेटिंग एनफ हाई स्पीड। आई लिव इन अ डबल स्टोरी हाउस, माय मॉडेम एंड रूटर वर केप्ट डाउनस्टेयर्स एंड माय अपस्टेयर स्टडी हैज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट डेड ज़ोन। सर अब इसको चेक करें। चले ठीक है रमजान साहब, रमजान साहब जस्ट 1 मिनट में आर्टिकल चेक कर लूँ फिर मैं जो है आपकी स्क्रीन एक्सेस करता हूँ। ठीक है सिर्फ 2 मिनट आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा जी समी साहब, आई ट्राई टू ब्रिंग द अप फ्लोर बट देन माई लिटिल सिबलिंग्स बिगेन टू क्राई। दिस प्रॉब्लम कॉज मैनी प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम कॉज मैनी प्रॉब्लम एंड फाइट्स इन माई हाउस। I often thought my house as WWE and doctor. अच्छा जी समी साहब, सबसे पहले एक चीज की जो है वो मैं दाद देता हूँ, स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है। हर घर का तकरीबन मसला जो है वो आपने बताया है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर इसको आप ग्रामेटिकली चेक कर लेते हैं जैसे मैंने सवाल SEO टूल्स या दूसरे ग्रामरली वगैरह बताया था, अगर उस पर आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं तो यहाँ तक बहुत आर्टिकल जो है वो स्टोरी टेलिंग जो है वो आपने काफ़ी अच्छी की है। इट वॉज देन आई सर्च फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस एंड लाइक दिस प्रोवर्ब द डे ऑफ फॉर्चून इज लाइक अ हार्वेस्ट डे वी मस्ट बी बिजी विद द फोन इज राइट। लकीली वन ऑफ द फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट टीपी लिंक एंड 300 वाईफाई एक्सटेंडर एंड देन आस्क्ड मी टू गिव इट अ ट्राई। आई सर्च फॉर इट एंड सून आई फाउंड दिस प्रोडक्ट एट अमेज़न। I bought it from home on site and installed it in my house using Wi-Fi extender, right? And after 5 minutes pairing it with my network, it was plugged in and perfectly. My computer every speed is literally it has solved all my problems getting Wi-Fi signal. It has many specification hard to build a single device. I mentioned some of them related to this style. Extend Wi-Fi cover, boost internet Wi-Fi, this unit. There is a problem in it among its competitor. It is a bit costly. It costs you $20 while normal Wi-Fi extender is $15 to $18. But it also make only with one color. Some people don't like. You are wasting your previous time thinking about fixing weak internet signal. Don't find any solution, then just give it. समी साहब अगेन आर्टिकल बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, और टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो आपने लिखी हैं, स्टोरी टेलिंग वगैरह जो है मुझे काफ़ी अच्छी जो है वो आपकी लगी है। सिर्फ एक चीज़ इसमें जो है वो कमी कह लें, कमी नहीं बेसिकली चेकिंग के हवाले से है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इसकी है ठीक कर लें, बाकी जो है वो बहुत फिट आर्टिकल है आपका। ठीक है इसको जो है वो अगेन प्रैक्टिस अगर आप जारी रखेंगे, अपनी 2 3 4 5 आर्टिकल लिख लेंगे, वीडियोस जो है वो लेंगे, तो बहुत अच्छे कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। प्रीवियस आर्टिकल्स भी आपके अच्छे थे, ये आर्टिकल भी आपका अच्छा है, तो कंटेंट राइटर की सारी खूबियाँ में मौजूद हैं, बस अपनी गलतियों से आपने सीखना है। जो जो ये गलतियां कर रहे हैं इससे जो है वो सीखें और उसके बाद दोबारा ट्राई करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिकल राइटर जो है वो आप बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा अब मैं आता हूँ रमजान साहब की तरफ। जी रमजान साहब क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक हैं? स्क्रीन आपकी शेयर हो चुकी है मेरे पास और इसको उम्मीद है म्यूट कर लिया होगा आपने, म्यूट कर चुके हैं इसको। अभी तक स्टिल 3 गिग्स हैं
सबसे पहले तो ये चीज, रमजान साहब जी सर, स्टिल 3 गिग्स, अब तो यार बिल्कुल सर एंडिंग पे बताया हैं था हम आपको, लोग जी। सर एक बनानी है, कंटेंट राइटिंग की बनानी है और सर वर्डप्रेस की बनानी है, सर दोनों यार वो कब बनानी है? मैंने तो परसों का आपको कहा हुआ था, जब आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मैंने क्या कहा था आपको कि बना लें। करंटली इसको जो है वो पहले कंप्लीट कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आगे फर्दर क्लाइंट का जो है वो वेट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक स्टिल अगर इन्हीं चीज़ों को आप लेके बैठे रहेंगे, तीन चीज़ों को, तो क्लाइंट नहीं आएंगे। तो बाद में अगर जो है वो आपके पास क्लाइंट आ गया तो डिस्कशन किसके साथ जो है वो करेंगे? सर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि जब कंप्लीट हो ना सही, फिर बनाऊंगा सर। सर सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि मतलब स्किल अच्छी हो ना वो सर बनाऊँ। यार स्किल तो आपका अगर इंटरेस्ट उसमें है वर्डप्रेस वगैरह में तो बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी स्टिल अगर बैठे सर तो रहेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें भी मैंने जो है वो आपको बोला था शायद लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन हुई थी कि हम प्रोफाइल जो है वो अलग से कर लें और बिजनेस पेज जो है वो अलग से कर लें, लेकिन स्टिल आपने इसमें चेंज नहीं किया। उसके तो सर बाद प्रोफाइल लेटर बना लूं। लिंक्डइन प्रोफाइल की गिग अलहदा बनाएं, लिंक्डइन बिजनेस पेज की गिग अलहदा बनाएं, ठीक है सर, प्रोफेशनल क्रिएटर एंड मैनेजर फेसबुक बिजनेस। गिग्स तीनों ऑलमोस्ट ठीक है आपकी। अब आते हैं हम बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। सर ये डॉट वाली को भी देख ले सर। अच्छा, एक तो इसका पिछली क्या वीडियो था में काम ना प्रॉब्लम? हो आप कह रहे थे हर दफा जो है वो उसमें जा रही है, ड्राफ्ट में जा रही है ये। जी सर, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने? ट्विटर वगैरह, ट्विटर, यूट्यूब सर एक्चुअली तीन सर जी। ऐसे तीन ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अच्छा जी, सेव एंड कंटिन्यू पे गए। अच्छा जी, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम आ गए। अच्छा डेली वन पोस्टिंग है, ठीक है, उसमें डेली वन, दोनों प्लेटफॉर्म पर डेली वन पोस्टिंग। ये तो 15 डेज मैनेज नहीं कर रहे आप बेसिक जो है? जी रमजान साहब, आवाज सुन रहे हैं मेरी? ठीक है सुन रहा हूँ। बेसिक तो आप 15 डेज मैनेज कर रहे हैं, 10 डेज डिलीवरी क्यों रखी है इसमें? सर 15 कर दें सर।
ठीक है, ये 30 डेज, 30 डेज में हम दोनों स्केड्यूल पोस्ट फुल टाइम इंगेजमेंट्स, इनमें भी फुल टाइम इंगेजमेंट जो है वो करते हैं, क्योंकि आपने मैनेज तो करना ही है उसको। 15 दिन एक डेली पोस्ट, इसको $15 एटलीस्ट में कर रहा हूँ। सर, ये एक्शन प्लान के बारे में बता दो सर, उसमें क्या करते हैं? एक्शन प्लान में पहले कुछ लोग स्ट्रेटेजी वगैरह पूछते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी जो है वो होगी, तो वो उसमें आपने देना है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी इसमें नहीं होगी, क्योंकि जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है इसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपने उतने दिन मैनेज करना ही है। 15 दिन मैनेजमेंट का अगर आपको क्लाइंट ने कहा है तो वो 15 दिन ही करना पड़ेगा ना, उसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं आएगी। फॉर प्रमोशन एंड एक्सपेंडिंग एंड स्पेसिफिक बिजनेस वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल, मोर देन 3.4 बिलियन सोशल मीडिया सर्विसेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोफाइल टाइप कैचिंग पोस्टिंग स्केड्यूल लेसन पोस्ट कस्टमर जो बिजनेस डिटेल्स में आपने वो कुछ नहीं लिखा, व्हाट आर योर बिजनेस डिटेल्स, नेक्स्ट व्हाट इज योर वेबसाइट, अच्छा सर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है वो लाजमी ऐड करने पड़ते हैं सर? नहीं जरूरी नहीं है। अच्छा गेमिंग वगैरह नेक्स्ट टाइम भी बनाओ ना, ये इतने कलर नहीं यूज करने के गेमिंग में, आप सिंपल उसको रखो सर ये एक खुद आधा। बनाइए, तो सॉरी मैं कह रहा हूँ एमएच खुद बनाइए सर। सर और ये टेस्ट मांग रहा है, टेस्ट दो इसका। प्रीवियसली लगता है आपका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, इसलिए ड्राफ्ट में गई थी ये। क्लियर है सर, आप इसको जब डैशबोर्ड में देखेंगे तो ये क्लियर है, आप स्कोर भी नजर आ रहा है। Until complete the test, यहाँ पे टेस्ट आ, रीटेक टेस्ट क्लिक करेंगे। कर दिया सर, लेकिन सर ये अभी टेस्ट नहीं आता है इसमें। हाँ जी, सर क्लिक कर दिया लेकिन टेस्ट नहीं आता है इसमें अभी। आना तो चाहिए टेस्ट। सर ये डैशबोर्ड में ना टेस्ट सर नजर आ रहा है, मैंने क्लियर किया था। यहाँ पे सर वो
सर ध्यान कर आएगा मतलब ये सर टेस्ट ये तो इंग्लिश टेस्ट है ना, फाइवर इंग्लिश टेस्ट। अब मेरे ख्याल से उसका सोशल मीडिया से रेलिवेंट टेस्ट होगा, जो बेसिक फिर उसका इंग्लिश टेस्ट चाहिए। हाँ जी, तो सर फिर उसको क्या सलूशन? सोल्यूशन उसका वही, अभी उसी पेज पे चले ना एक दफा, जब अपनी तरफ से जल्दी से उस पेज के ऊपर दोबारा चलें जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको। ये सर यहाँ पे आ जाएगा एक। ये कितनी देर पहले टेस्ट दिया? विद इन 24 आवर्स तो नहीं दिया आपने? ये सर मैंने स्टार्ट में टेस्ट किया था एक, मतलब नहीं, अभी कि रिसेंटली हो तो गया नहीं है ना तभी दिया? मैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ, रिसेंटली तो नहीं दिया आपने? नहीं सर रिसेंटली सर कोई टेस्ट नहीं दिया। ये रीटेस्ट का बटन करना तो चाहिए। चलो एक काम आपने करना है, ये चीजें सारी जो है वो आपने ना कॉपी पेस्ट करके रख लेनी है, ठीक है? तो इसको एक जी दफा सर भी आप डिलीट कर दो और नई बना लो जो है वो गिग, ठीक है? उस पे देखो रीटेक सर टेस्ट उसमें आता भी है यही एक। सर हाँ जी, ये ट्राई किया है मैंने डिलीट करके नहीं बनाई है सर फिर भी वही चीज है। नहीं उस पे भी ये जो रीटेक टेस्ट है वो बटन काम ही नहीं कर रहा आपका। जी सर ऐसा ही है सर फिर आप इनकी जो है वो एक दफा सपोर्ट से बात करें कि मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। यह हेल्प एंड सपोर्ट, तो इससे जो है वो इनसे ना बात करेंगे आप कि मेरा एक्चुअल में प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम क्या है। जी
यहाँ पे ये कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट हेयर, ये बटन आ रहा है, इस पर जो है वो क्लिक कर दें। अच्छा, और यहाँ पे जो है वो आपने प्रॉब्लम लिखनी है अपनी, लिखें जरा एक दफा, जस्ट 1 मिनट, मैं ऊपर चेक कर लूँ एक दफा। सही है सर, सही है सर, सही है सर। ठीक है, सब्जेक्ट पहले लिखें इसका, अरे सॉरी। अच्छा, कह रहा हूँ कि तो देखो तो क्या लिखूँ। सब्जेक्ट लिख लें, मैं चले मैं ये लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखते हैं आई एम अनएबल टू पब्लिश माय गिग। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिखें एक दफा। या 1 मिनट, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट।
ठीक है जी, इनको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो अभी एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आपको ईमेल पे आएगा। उसके बाद फिर एक्चुअल में जो है वो जो सेकंड ईमेल आएगी उसमें एक्चुअल में वो प्रॉब्लम बताएंगे कि प्रॉब्लम आपका है क्या। ठीक सही है है, तो सर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना। सही है सर। बाय रिक्वेस्ट को देखो सर, बाय जी बाय रिक्वेस्ट अब देख लेते हैं। जी, वी आर अ स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वी नीड हेल्प विद गेटिंग क्लाइंट्स। वी ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टुगेदर। द परसेंटेज ऑफ गेटिंग अस अ क्लाइंट इज 30 पर क्लाइंट। वी फॉर गेट अस अ मंथ वी विल लाइक द इन्वेस्टर विल लाइक टू अपॉर्ड वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले रमजान साहब और बाकी सब लोग भी जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, कभी भी कमीशन बेस्ड काम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। अगर कोई आपको कहे भी कि मैं जो है वो आप मेरे साथ जो है वो काम करें, पर सेल के ऊपर आपको इतने पैसे मिलेंगे, पर क्लाइंट के ऊपर आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, कभी भी ऐसा काम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। It's 11 o'clock. उसके बाद सेकंड चीज जो है वो मैं अक्सर जो है वो कहता होता हूँ, प्रपोजल या बाय रिक्वेस्ट जो है वो थोड़ी सी देर के सेंड करें। तो आपने ये 200 के लिए जो है वो जैसे एग्जाम्पल के सेंड किया आपने $200 के लिए, और उसमें लिखा गया हुआ है आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर, आई एम एन एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, आई विल प्रोवाइड यू माई सर्विस टू बूस्ट एंड प्रमोट योर बिजनेस बाई गेटिंग मोर क्लाइंट्स। बस ये खुद से जस्टिफाइएबल ही नहीं है कि आपने ये, मैं कहता हूँ ये जो आपने चीज लिखी है ये $5 के लिए भी जस्टिफाइएबल नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बात है कि यहाँ से अगर कोई आम सिंपल बंदा भी है तो उसको पता चल रहा है कि आप कितने जाओ माशाल्लाह सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। किसी चीज़ का आपने यहाँ पे ये जितनी चीज़ें उसने बताई हैं रिप्लाई नहीं किया। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे जी नीड अ प्रोफेशनल डाटा एंट्री एक्सपर्ट फॉर माई कंपनी, आपने क्या लिखा है, आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड आई विल प्रोवाइड यू क्वालिटी वर्क विद अनलिमिटेड। बस इसमें थोड़ा सा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लिख देते, कोई टाइपिंग स्पीड भी है वो आप लिख देते, इसके अलावा कुछ भी जो भी है कोई रिलेटेड चीज़ आपने जो है वो इसके अंदर बताई नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। रिक्वायर समवन टू क्रिएट अ बिजनेस पेज फ्रॉम स्क्रैच फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट एज फुली मैक्सिमाइज फेसबुक कंपेयर टू गेट आवर टारगेट कस्टमर्स। आपने क्या लिखा जी, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल क्रिएट ऑप्टिमाइज मैनेज योर फेसबुक योर बिजनेस पेज ऑन फेसबुक टू प्रमोट योर बिजनेस एफिशिएंटली विद नो प्राइस हैविंग 100% क्वालिटी वर्क। अब इसमें भी जो मैं यहाँ पे गलती समझ रहा हूँ कि प्रीवियस पेजेस वगैरह आप बता देते हैं, मैंने इतने पेज पे काम किया हुआ है इस किस्म के बिजनेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट उसको चाहिए। अब इसकी इसी जो है वो बाय रिक्वेस्ट को आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं कि मैंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए मुख्तलिफ पेजेस जो है वो ऑलरेडी बनाए हैं, उन पे आके ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, आपकी भी जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आपने सब में जो है वो इम्पर्सनल हो जो है वो रहे थे, किसी के साथ जो है वो पर्सनलाइज कंटेक्ट करने की आपने ट्राई नहीं की। यहाँ पे क्या हो, आई वुड लाइक सर टू उससे फिर क्रिएट, सॉरी, रिक्वेस्ट देता हूँ ये हो जाएगी, तो हाँ जी, सर उससे फिर बाय रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं हो जाएगी। नहीं ज्यादा नहीं हो जाएगी, जितना पर्सनलाइज एटलीस्ट कर सकते हैं टू द पॉइंट वो तो आपने करना है ना।
क्योंकि सर आपने कहा था कि इसको शॉर्ट लिखना है सर, तो मैं इसको जी शॉर्ट शॉर्ट जरूर लिखना, लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो आप अभी दो लाइनों में सबको लिख रहे हैं ये तो ऑलरेडी आपकी गिग में भी मौजूद है, आपकी प्रोफाइल में मौजूद है। यहाँ पे टू द पॉइंट आपने ये लिखना है, मैं आपका काम कैसे करूंगा और आपने मुझे हायर क्यों करना है। ठीक है, ये तो एग्जांपल, आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल क्रिएट ऑप्टिमाइज पेज, ये तो ऊपर भी आपका गिग टाइटल भी यही है, क्रिएट ऑप्टिमाइज मैनेज योर फेसबुक बिजनेस पेज। तो आपने इसको पर्सनलाइज किस तरीके से किया, कैसे उसको श्योर करवाया कि मैं ही वो बंदा हूँ जो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसमें तो आपने टू दी पॉइंट सिर्फ ये बात करनी है, पूरी दुनिया में मैं वाहिद बंदा हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप जनरल चीजें जो है वो लिख रहे हैं। तो एक जो अगर मिसाल के तौर पे 100 बाय रिक्वेस्ट जाती हैं तो 100 में से 90% लोग यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। किसी भी बाय रिक्वेस्ट को अभी तक आपने पर्सनलाइज नहीं किया कि मैं आपके बिजनेस को बेसिकली मुझसे क्या फायदा होगा। हेलो, आई वुड लाइक टू क्रिएट माय सोशल नेटवर्क पेजेस, आई नीड टू डू वेब मार्केटिंग सर्विसेज। और अगेन आपने क्या लिखा है, आई आई एम सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल क्रिएट ऑप्टिमाइज योर पेज बिजनेस अकाउंट एफिशिएंटली। बस और कुछ नहीं आपने जो वो लिखा, वेब मार्केटिंग सर्विसेज वेडिंग से रिलेटेड जो है वो चाह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करते हैं, क्या सर्विसेज आप वेडिंग मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कर सकते हैं, थोड़ा सा गूगल पे सर्च आप इसको स्क्रॉल डाउन करें ना सर, सर स्क्रॉल डाउन करें नीचे आपको नजर आएगी, पहले मैं भेजा था वो सही मतलब था एक्सपेंड करके उसको, तो फिर मैं शॉर्ट कर दी। अच्छा वो भी देख लेते हैं, ये देखिए सर। अच्छा जी, ये ऊपर वाली अभी देखते हैं, ये देखिए लिखा आपने। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हेलो, आई नीड समवन टू मैनेज अ थीम पेज, दिस पर्सन वुड बी इन चार्ज ऑफ पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक एंड मे बी ट्विटर। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है वो क्या आ रहा है, आई आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन सेट अप मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब इसको भी आप कर देते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन मैनेज सेटअप एंड मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट फॉर योर थीम पेज। आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर विद मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पेज। अब ये हमारा आपने यहाँ पे जो है वो वही चीज़ ऊपर वाली रिपीट कर दी है। ठीक है, और फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया, अब उसे जो है वो अदर सोशल मीडिया के बजाय अगर आप उसमें साथ ये भी ऐड कर देते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक एंड ट्विटर, यानी उसी का जो है वो जवाब आपने इसी की बातों से निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल उसने लिखा तो वह मे बी ट्विटर, जब वो बाय रिक्वेस्ट हो, जो बाय रिक्वेस्ट उसको आई होगी उसको जब नैरो डाउन करेगा तो वहाँ पे वो चेक करेगा, अच्छा ट्विटर कितने लोगों ने लिखा है जिनको ट्विटर भी आता होगा, या फेसबुक तो हर बंदा कर लेता है, टिकटॉक पे अभी हर बंदा मौजूद नहीं है, टिकटॉक मार्केटिंग हर बंदे को नहीं आती, तो मैं कीवर्ड लगा के जरा नैरो डाउन कर लूँ कि कितने लोगों ने अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर टिकटॉक ही लिखा है। लेकिन आपने वो अगेन ये जर्नल जो है वो लिखी हुई है, ये मैं कह रहा हूँ चाहे ये एक वर्ड के अंदर भी वो जॉब क्यों ना लिखी हो, जितना पर्सनलाइज हो सकते हैं उसकी लाइन में से ये चीज़ें मुख्तलिफ निकालें, उसको जो है वो इंक्लूड करें इधर अपनी जो भी आपके बाय रिक्वेस्ट है। अब ऊपर आई एम लुकिंग फॉर फेसबुक एड्स मैनेजर टू पोस्ट एड्स फॉर माय बिजनेस, यहाँ पे क्या, हाय आर यू लुकिंग फॉर समवन हु सेट अप एंड मैनेज योर सोशल मीडिया। अब यहाँ पे देखो उसने क्लियरली बताया उसको सोशल फेसबुक एड मैनेजर चाहिए, और आप क्या बता रहे हैं, हु कैन मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। एड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना दोनों डिफरेंट चीज़ है। आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फेसबुक पेज क्रिएशन। अब पेज क्रिएशन उसका तो ऑलरेडी पेज बना हुआ है, ठीक है, एड्स का काम तो आगे नेक्स्ट लेवल का एडवांस काम है जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह जो है वो कर चुके होते हैं, हैशटैग रिसर्च और ये चीज़ें ये एड्स में यूज ही नहीं होती, तो ये भी आपकी रेलिवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसने $15 बजट बताया था, आपने $250 में इसको सेंड किया हुआ। अच्छा उसके बाद ऊपर चलते हैं नेक्स्ट वन पे।
आपने ये कॉपी पेस्ट करके जो है वो रखी हुई थी बाय रिक्वेस्ट, यही सबको सेंड की हुई है। ये देखें इस पे भी लास्ट वन पे भी यही सेंड कर रहे थे। अर्जेंट नीड, आई नीड अ पर्सन हु कैन मैनेज माय इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर 30 डेज, डेली 5 पोस्ट यूजिंग रिच कीवर्ड्स एंड अलाउ दिस। और यहाँ पे आपने गेन वही जो कॉपी पेस्टेड बाय रिक्वेस्ट थी वो लिखी है। कहीं भी आपने ये लिखा है कि मैं 30 डेज मैनेज करूँगा इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करूँगा, डेली जो रिच कीवर्ड रिच जो है वो पोस्ट होंगी, किस तरह से हैशटैग रिसर्च करूँगा इंस्टाग्राम के लिए, मेंशनिंग कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिखी। लेकिन आप ये कॉपी पेस्ट आपने किया हुआ वही करते चले जा रहे हैं यार, ऐसे तो जॉब नहीं मिलेगी। क्या ख्याल, ऐसे जॉब मिल जाएगी? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। तो अब ये चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा खुद से गलतियों का आइडिया हो चुका होगा। बाय रिक्वेस्ट अभी तक सारी गलत भेजी हुई है आपने, ठीक है? तो इसको सही सर, काइंडली एक दफा मैं दोबारा देखें अच्छे तरीके से, जितना इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं उतना इसको जो है वो पर्सनलाइज करें, ताकि जो है वो अगेन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट चीज के ऊपर चलें, जैसे हमें जो है वो ऑर्डर्स मिले, ठीक है? तो अभी जो नेक्स्ट आप जितनी भी ये चीजें करोगे आपने क्या करना है, इसको जितना लाइक पर्सनलाइज कर सकते हो इसको जो है वो आपने इसको पर्सनलाइज करना है, ठीक है रमजान साहब? ठीक है सर, सही चलें ठीक है। है, अभी मंडे को जब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो आपने बताना कि सर मैंने ये अपनी गलतियां दूर कर ली हैं, तो अब मुझे रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया, ठीक है? जी सर, मैं ट्राई करूंगा सर। चलें ठीक है रमजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह शुक्रिया सर, हाफिज। थैंक यू सो मच। जरूर लिखें, लेकिन ये भी लाजमी देखेंगे सैलर कितना लिख रहा है। सैलर के सवाल में आपको आधा जवाब मिल जाएगा, सो सैलर पर्सनलाइज करें, ठीक है जी? बाकी जो है वो सामी साहब आपको जो है वो रिप्लाई मिल चुका है, आपने जो बोला था, हसन साहब ने भी जो मैसेज मुझे सेंड किए थे उसका भी जो है वो मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद अगर और कोई स्टूडेंट जो है वो अभी मेरी आवाज़ सुन रहा है और कोई डिस्कशन जो है वो करना चाह रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात करना चाह रहा है, तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में मुझे बता दें, तो दोबारा से मैं जूम मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। यार मंडे का जो है वो गेन टॉपिक मैं बता चुका हूँ, अब हम लोगों ने क्या करना है, एड्स जो है वो स्टार्ट करने हैं, तो मंडे से फेसबुक एड्स जो है वो इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उससे रेलिवेंट आप लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई वीडियोस वगैरह भी जो है वो देख सकते हैं, और वीडियोस देखें एक दफ़ा। वीडियोस देखने के अलावा जो भी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपकी हैं वो एक दफ़ा जो है वो लाजमी क्लियर कर लें, ताकि हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको एडवांस लेके चलें।
स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आप लोग की है, कोई चीज आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं यहाँ पे स्टिल जो हूँ अवेलेबल हूँ, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे मैं उनका रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है जो कि मेरी आवाज जो है वो सुन रहे हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। जी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, इवन वन टू वन सेशन के लिए जो मैं अवेलेबल हूँ, आप लोगों का जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।
स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगेन जो है वो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस चीज़ का भी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट जो है वो दस एग्जाम्पल ऑर्डर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, उस टाइम आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा होगा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी जो है वो गलती की है। उस टाइम जो है वो टाइम वेस्ट, इस टाइम आपने टाइम वेस्ट किया होगा तो फिर उस टाइम क्लाइंट के लिए भी आप लोग काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। स्टिल एक चीज़ और जो है वो मेरे माइंड में आ गई है। कल आयशा साहबा को मैंने बोला था कि आपने मुझे प्रोफाइल जो है वो चेक करवानी है अपनी, और वो भी आज अवेलेबल नहीं है। तो अगेन आप लोग अपना जो है वो नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई जो है वो नुकसान नहीं कर रहे। तो अभी चलें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, उसमें हम लोग तो जो है वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुद अपने तौर पे ही जो है वो आप लोग एटलीस्ट जो है वो अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, प्रपोजल राइटिंग है, मुझे नहीं, लाइक नुसर साहब को नहीं, अतीक साहब को नहीं, खुद से एक दफ़ा जो है वो आप लोग देख लें कि आप लोग जो है वो बेसिकली क्या गलतियां कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करें और वहाँ पे जो है वो एक दफ़ा देखें कि आप लोग जो है वो क्या गलतियां कर रहे हैं। एक दूसरे से जो है वो सजेशंस लें, अगर सजेशंस जो है वो लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो उसको ठीक भी आप लोग जो है वो कर लेंगे। लेकिन अगर सजेशंस नहीं लेंगे, और अगेन हमारे माइंड में तो यही होता है कि मेरी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हैं, मैं तो जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग आगे जो है वो नहीं बढ़ सकेंगे। चलें ठीक है, आपने अगर चेक किया एटलीस्ट मुझे वो अपडेट कर देती इस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर भी ठीक है, आपने चेक कर लिया तो जो जो गलतियां हैं तो मैं अब उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अब अपनी तरफ से जो है वो ये चीज़ें देखें, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो गलतियां एटलीस्ट ना करके हैं। क्योंकि आज भी या प्रीवियसली भी जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग तो डिस्कस वो कर देते हैं कि ये चीज़ जो है वो आपके पास है, लेकिन उसका सलूशन जो है वो आप लोग नहीं करते। ठीक है, उसको ठीक जो है वो आप लोग जो है वो नहीं करते।
समी साहब प्रपोजल अभी जिस तरह मैंने रमजान साहब को कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी एक दफा जो है वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करें दोनों चीजों के ऊपर, प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी उस चीज को आपने इम्प्लीमेंट करना है, बाय रिक्वेस्ट के ऊपर भी उस चीज को जो है वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट जो है वो करना है। तो जैसे इंशाल्लाह आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां से जो है वो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी जो है वो प्रपोजल राइटिंग में समी साहब इंशाल्लाह इसको अब दोबारा हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए जो है वो रखते हैं। प्रपोजल राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो उसको इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेंगे और फिर उसमें फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज फ्राइडे था, हमारी 11:30 तक जो है वो क्लास थी, तो बाकी इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। मंडे को बैड्स हमने स्टार्ट करने हैं, तो उस टाइम जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आप लोग जो है वो सारे लिख के रख लिया करें, तो जब आप लोग पूछेंगे मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो उस टाइम तक मुझे मैं टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।